भाजपा विधायक ने कहा कांग्रेस ने प्रदेश को पाकिस्तान सा बना दिया था, जहां न सड़कें थी न बिजली। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को पाकिस्तान सा बना दिया था, जहां न सड़कें थी न बिजली, साख ऐसी खराब की कोई कर्ज भी नहीं देता था। लाली बहना योजना, किसान सम्मान निधि मुफ्त की रेबड़ी नहीं है, बल्कि यह जरूरतमंद महिला व किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद है। इसके लिए कर्ज ले रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं। कांग्रेस को किसने रोका था कर्ज लेकर लोगों को ऐसी सुविधाएं देने से? कांग्रेस ने तो प्रदेश की हालत पाकिस्तान जैसी कर दी थी, जहां सड़कें थी न बिजली। कांग्रेस सरकार की साख इतनी खराब थी कि कोई बैंक कर्ज ही नहीं देता था। बुधवार को मुरैना में आयोजित हुए नई दुनिया वार्तालाप में यह बातें जौरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने कही। आयोजन बुधवार को मुरैना के होटल इंद्रलोक में किया गया। जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच हुए इस सार्थक संवाद की मध्यस्थता नई दुनिया के ग्वालियर संपादकीय प्रभारी वीरेंद्र त्रिवाड़ी ने की, जिसमें जनता ने कई सवाल विधायक रजौधा के सामने रखे। इस आयोजन में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी भाजपा विधायक से तीखे सवाल किए, जिनका विधायक रजौधा ने बड़ी सहजता से जवाब भी दिया। विधायक रजौधा ने कहा कि साल 2003 से मध्य प्रदेश सरकार का बजट 23,000 करोड़ रुपए होता था, जो वर्तमान में 3,14,025 करोड़ रुपए का है। इन आंकड़ों के साथ गर्व से कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में चंद्रमुखी विकास हुआ है। बीमारू राज्य का तबका वाला यह राज्य आज विकासशील राज्यों में सबसे आगे है। शिक्षा की बेहतरी के लिए सीएम राइज स्कूल। भाजपा सरकार ने शिक्षा की बेहतरी के लिए सीएम राइज स्कूल खोले, जहां महंगी फीस वाले निजी स्कूलों की तरह बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है। सड़कों की हालत ऐसी थी कि समर्थकों के साथ भोपाल टिकट मांगने जाते तो गड्ढों के कारण लोग इतने परेशान हो जाते कि दोबारा भोपाल जाने तैयार नहीं होते। अब पूरे प्रदेश में चकाचक सड़कें हैं। अकेली जौरा विधानसभा में ही मैंने 100 सड़कों का निर्माण करवाया है। डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि मोदी व शिवराज सिंह की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया है। इसी विकास के दम पर हम आगामी चुनाव में भी बहुमत से सरकार बनाएंगे। बाग्स खेती और किसान खुशहाल हुए। विधायक रजौधा ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसान बिजली, सिंचाई, खाद के लिए परेशान था। अब घर उद्योग व किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है। 18% ब्याज पर कर्ज दिलाती थी कांग्रेस। कांग्रेस सरकार किसानों को 18% ब्याज पर कर्ज दिलाती थी। हम ब्याज मुक्त कर्ज किसान को खेती के लिए दिला रहे हैं। पहले 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा थी, शिवराज सरकार ने इसे 40 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा दिया है। केंद्र और राज्य की सरकार किसान सम्मान निधि के तौर पर हर किसान को साल में 12,000 रुपए दे रही है, जिससे किसानों को खेती करना आसान हुआ है। महिलाओं के बारे में सिर्फ भाजपा ने सोचा। विधायक रजौधा ने लाडली बहना योजना को महिलाओं के सम्मान व विकास की योजना बताते हुए कहा है कि ऐसी योजना कांग्रेस भी ला सकती थी, लेकिन महिलाओं के बारे में सिर्फ भाजपा ने सोचा। बाक्षजन बीहड़ों से कांपते थे, वहां लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। साल 2003 तक डकैत व बदमाशों का आतंक था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि प्रदेश में डकैत रहेंगे या फिर शिवराज सिंह। बीहड़ों के नाम से लोगों की आत्मा कांप जाती थी। भिंड मुरैना की बीहड़ों के नाम से लोगों की आत्मा कांप जाती थी। कोई बीहड़ों में जाने की सोच भी नहीं सकता था। आज उन्हीं बीहड़ों में चंबल सफारी बन गई, जहां लोग सैर सपाटे व पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ बिना डर के जा सकते हैं। यह वह उपलब्धि है जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। प्रदेश की जनता भाजपा के शासन में आतंक से मुक्त हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।